मेरी टू फैमिली कैसे आप सब? हब करते हैं आप सब? अच्छे हो तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं यहाँ धूप में आके बालकनी में आके बैठी हूँ। सारा काम खत्म करके सब कुछ कर लिया मैंने, खाना बना लिया है, क्लीनिंग वगैरह सब कर लिया, बच्चों को नहलाया और मैं नहा के आई हूँ। धूप में ठंड लग रही थी और रोज़ सोचती हूँ कि आज सर्दी बहुत, अब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। रोज़ सोचती हूँ कि आज नहीं नहाऊंगी मैं, आज नहीं नहाऊंगी। फिर काम करने के बाद तो फिर सर्दी वगैरह सारी बक जाती है, फिर नहाने चली जाती हूँ बाथरूम में। जब भी खड़ी होती हूँ उस दिन सोचती हूँ आज मैं आज मैं छुट्टी ले रहती हूँ नहाने की, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो और बालकनी में आई थी मैं इन दोनों को बाल वगैरह बनाना थे नहलाने के बाद। तो इधर बाबू क्रीम वेस्ट कर रहा है, तब से क्रीम रख रखी है मैंने पास में और ऑयल वगैरह रख रखा है दोनों के। स्वीटी के बाल बनाने, छोटी करनी मेरे को, तो अब छोटी करती हूँ मैं। किस किस को धूप में बैठना मेरी तरह पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मेरे को बहुत ज़्यादा धूप पसंद है सर्दी में। और इस फ्लैट में है ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं बिना स्वेटर के घूम रही हूँ, ऐसे ही घूम रही हूँ, क्योंकि है ना धूप आती है ना तो इतनी रूम वगैरह इतने ठंडे नहीं रहते हैं। पता नहीं मेरे को इस फ्लैट पे सर्दी वगैरह बहुत कम लग रही है मेरे को, कम में सॉरी मेरे को, और अच्छा भी लग रहा है। वरना मैं जो पहले फ्लैट में रहती थी वह ओल्ड टाइम मैंने स्वेटर पहन के घूमती थी और बच्चे वगैरह सारे ऐसे ही घूमते थे स्वेटर पहन के, और बिस्तर से रजाई से निकलने के मन नहीं करता। जैसे ही काम करती रजाई के अंदर बिस्तर के अंदर घुस जाती थी मैं। और बाबू ना ऑयल क्यों गिरा रहे आप? तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जैसे मॉर्निंग में लगती सर्दी और नाइट में लगती है। अभी तो धूप है तो धूप इंजॉय कर रही हूँ मैं। और अब खाना खाना है, इन दोनों को बाल बना देती हूँ। स्वीटी इधर जाओ, बाल बनाती हूँ मैं, तो छोटी बना लेती हूँ। अच्छे बच्चे तो अलग ही होते, अच्छे बच्चे मस्ती नहीं करते क्या? ए पूरे फेस पे ऑयल लगा लिया, गंदा बच्चा। बाबू दीदी के बाल बनाएगा? आ, बनाना आता है आपको? बाबू अच्छा बच्चा है, बर्ड 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 कहाँ है बाबू? डेडी को बोलो, डेडी खाना खाना है, जाओ खाना खाके सब्जी लेके आ जाओ। छोड़ो इसको, स्वीटी के बाल बना लिए, अब भूख बहुत तेज लग रही है और खाना खाना है। और खाने में मैंने दाल बाटी बनाई थी, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड के रेस्ट रहता है, स्वीटी के भी छुट्टी वगैरह रहती है स्कूल से, तो ये संडे का लोग है, तो मैंने दाल बाटी बनाई। दाल बाटी सब इंजॉय से खाते हैं, क्योंकि हमारा फेवरेट खाना, हमारा फेमस राजस्थान का दाल बाटी है, और तो हमारे संडे के दिन ही बनती है, दाल बाटी बनती है। अब खाते हैं, अब धूप भी कम हो गई थोड़ी सी। चलो हटो सीधी, मैं उठ के धूप में से ना आप आके बैठ गए। क्या हुआ बाबू, क्या कर रहे हैं? क्या कह रहा है शाम को? अभी पापा की तैयारी कर। चलो भैया, बच्चे तो बातें कर रहे हैं डैडी के साथ, संडे एंजॉय कर रहे हैं। मैं किचन में आ गई हूँ, मैं खड़ी होके धूप से, जैसे हस्बैंड आ गए थे नाइट ड्यूटी से, सो रहे थे, सो के खड़े हुए, नाश्ता करके सो गए थे, अभी फिर से खड़े हुए, अब खाना खाएंगे फिर से सो जाएंगे। नाइट ड्यूटी में ऐसे ही होता है, सोना उठना सोना उठना चलता है। और बाबू गन्ना लेके घूम रहा है, गन्ना में स्वीटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे एक अंकल थे जिस काफ़ी सारे स्कूटी पे गन्ना लेके जा रहे थे, वहाँ खड़े थोड़ी देर खड़े रहे थे, मेरे को बोल रहे थे बच्चों को दे दो, मैंने कहा नहीं देने, तो फिर मुझे ऐसे फ्री में दे दिए थे उन्होंने गन्ने खाने के लिए बच्चों को। बहुत दे रहे थे, मैं नहीं लेके आई, क्योंकि मेरे से इतना दो बच्चे हैं, बच्चों के साथ सेटने होता है, तो दो गन्ने लेके आई थी, उसमें से एक खाया और एक ऐसे ही रखा है, सूखने वाला है, चार पाँच दिन हो गए। तो बाबू ऐसे लेके घूम रहे डंडे की तरह, मैं बोल रही हूँ लग नहीं जाए किसी के। चलो इनको खाना गवा देती हूँ मैं। मेरा आज का खाना, ये मेरी दाल, ये मेरी बाटी और
ये स्वीटी की डैडी की प्लेट है, ये वो स्वीटी और मेरी है। और बाबू तो आप जानते हो वो बहुत कम खाता है, इसमें थोड़ी सी नाइट की बच गई थी मटर की सब्जी। और रोटी के साथ अचार अच्छा लगता है तो अचार लिया है, अब उनको देना है मेरे को, लेके आती हूँ मैं। चलो ये बाबू की मस्तिया, चल आप खड़ी हो जा। खाना खाने से मना कर रही है तो मैं उसके लिए अलग से, उसको गुड़ के साथ पसंद है तो इस बाल्टी में अच्छे से घी मिला दूंगी उसके लिए मैं। और गुड़ लाए ना तो उस गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दूँ फिर दूंगी तो वो खा लेगी, वरना मना करी उसकी तबीयत सही नहीं है तो। सारी मम्मा वगैरह ऐसी होती है कि बच्चे भूखे रहते हैं तो किसी न किसी तरीके से खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। मैं भी अपनी कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा करके देंगी तो खा लेगी। इस तरीके से बना लिया है, अब मैं उसको देख के देखती हूँ खाती नहीं खाती, ट्राई तो किया है मैंने। स्वीट लो, ये आपके लिए गुड़ की रोटी चूड़ के लिए लो, भगो मत ले हो। कितने अच्छे से मैं करके लेके आई, नौ नौ करने से काम नहीं चलेगा। बाबू दूध पिएगा ना, बाबू को कब से भूख लग रही है ना, कब से मम्मा को परेशान कर रहे हो ना, आपने ये क्या कर दिया सोफी की हालत। लो कब से परेशान कर रहा है बाबू। हाँ मम्मा खिलाए, मम्मा खिलाएगी, हटोगे तब खिलाएगी मम्मा, तो सारे बजाओ मम्मा खिलाएगी। फिर बोले यूट्यूब बोले बाबू को है ना, बाबू है ना, मम्मा को क्यों खिलाते चीनी खिलाते, सब ये बोलेंगे, सब बोलेंगे पता है इस यूट्यूब पे। आ आ बच अब जाओ। सब पागल है बाबू, सब बोलते हैं। खा के थोड़ी देर के लिए सो गए थे, अभी खड़े हुए हैं, अभी बच्चों को दूध दिया है, स्वीटी पीछे बिस्किट खा रही है और मैंने अंदर चाय बनाने के लिए रखा है, पीछे मोगली आ रहा, मोगली ठीक है। वो सब बोले पागल बाबू है, पागल बोलते पागल बाबू। चाय बन रही, चाय पीने के बाद फिर संडे बाजार लग रहा है तो सब्जी लेके आना मेरे को, आपको पता मैं सारी सब्जी इकट्ठी लेके आती हूँ, अब मैं चाय पीने के बाद सारी सब्जी लेने जाऊंगी इकट्ठी, और हस्बैंड लेके जाएंगे, वो भी कह रहे मैं भी चलूँगा तो दोनों जाके आएंगे। अब चलो मैं चाय देख लेती हूँ, तो पूजा भी करनी है मेरे को। इधर थोड़ी देर नहीं आती चाय निकल जाती मेरी, और मैं चाय की बगुनी वही यूज करती हूँ पुरानी वाली, जो बाबू ने डंडी तोड़ दी है वो थोड़ी बड़ी है तो उसमें सही बनती है तो उसी में बनाती हूँ, जो न्यू लेके उसमें तो कम बनाती हूँ। ये मेरी चाय, ये मैंने पूजा कर ली है और चाय भी बन गई, अब चाय पी लेते हैं हम।
रेडी रहो, हम आ रहे सब्जी लेके। ओके चलो बाय बेटू। क्या खाएगा, क्या लेके आना, बता जल्दी बता। आइसक्रीम चाहिए सर्दी में? चलो ओके लेके आएंगे। गेट बंद कर दो स्वीटी। आपको क्या चाहिए? बाल कैसे हो रहे आपके? आपको क्या चाहिए? ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए मेरी? बच्चों को घर भी लाई रहते आप दिया लेते बच्चों बच्चों को रहना है हमारा, कुछ नहीं बच्चे बच्चों के घर में लेना तो जाएंगे। इधर से क्यों लेके आए? इधर आए नहीं आप? चाउमीन खानी तो चाउमीन लेना है, सब्जी लेना है तो संडे बाजार में। तो पीछे वो रेडी ऑर्डर कर रहे हैं। हर संडे को बाहर का खिलाने का रहता है, उसको नहीं खिलाते तो उसका मुंह बन जाता है। तो उसको रेडी चाउमीन के लिए बोल रहे हैं। फ्रेश फ्रेश सब्जी है, मटर 40 है। चलेगा नहीं? चलेगा। इवनिंग ही तो रहती है हर बार। आज नाइट पे लेता सही जैसा मिल रहा है। क्या नाइट थी क्या आपकी? नहीं, उसकी नाइट क्योंकि वेट करना घर का है, उसकी नाइट। मामा रेडी। सोना कहाँ है? ओ बाबू छिप रहा इधर। अरे बाबू डरा दिया मुझे। बाबू जी ने डरा दिया। आइसक्रीम अभी सर्दी में कौन खाता है बाबू? स्पून कहाँ है बाबू का? बाबू के पीछे। बाबू जी मुझे लाओ। उस पर दे दो। है सही है। सीटू बताइए कैसा है सीटू? अच्छा। लेके आ गए, अब इसको सेट करनी है मेरे को, और खाना भी बनाना है, और बर्तन चाय के ऐसे छोड़ के गई थी, उनको भी साफ करना है। सारी सब्जी रखी है, अब इनको निकालती हूँ, सेट करती हूँ। इधर बर्तन रखे हैं सारे, और बच्चे वो चाउमीन लेके आए, वो खा रहे हैं। वो खाना खाने वाले नहीं, बाहर से अब आ गया चाउमीन, तो बाहर का बहुत पसंद। संडे के दिन खिलाते हैं, आपको बताया था। ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ अभी। सारी सब्जी इकट्ठी लेके आए, ये प्याज लेके आए 2.5 किलो प्याज, पूरे सप्ते की एक साथ लेके आते हैं। ये 2.5 किलो आलू लेके आए, टमाटर, ये इसमें धनिया है, और इसमें मेथी और पालक है, इसमें हरी मिर्च है, अदरक है, और ये गोभी लेके आए, और मटर, ये सारे 1-1 किलो लेके आए, ताकि बीच में नहीं जाना पड़े। रोज़ रोज़ कौन जाएगा सर्दी में? सर्दी में बाहर निकलने में वो होता है। दूध लेके आए, दूध भी आज नहीं लेके आए थे, संडे था तो बाहर गए नहीं थे। ये ब्रेड लेके आए, और सर्दी में आप जानते हैं मूंगफली खाने का। अभी खाना खाने के बाद संडे पार्टी चलेगी मूंगफली की, गुड़ के साथ, तो वो लेके आए।
संडे को जाती हूँ, हर संडे की एक साथ लेके आती हूँ क्योंकि सर्दी भी है, सर्दी है उसके अलावा रोज रोज बाहर निकलना बच्चों के साथ से सेफ नहीं होता है। संडे को हस्बैंड यही रहता है तो चलो आज हस्बैंड के साथ ही गई थी मैं, तो सारा लेके आ गई इकट्ठा। अब मुझे इसको सेट करती हूँ मैं, अभी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। बाबू ड्यूटी जा रहे हो? हाँ। अच्छा जाओ, ओके बाय। नाइट ड्यूटी आपकी? सर्दी लगी कि सॉक्स तो कुछ पहना नहीं। खा लिया है खाना? खाने के बाद मूंगफली भिजा के दी बच्चों को, इधर खा रहे हैं बच्चे। मम्मा बाजी नहीं है। खाओ आप। आपने भी खाया? बाबू ने खाया। गई हूँ मैं, तो इधर कपड़े लेके आई हूँ, इन सबको फोल्ड करके रखना मेरे को। उधर प्रेस भी रखी है, स्वीटी की स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, फिर बच्चों को सुलाना, उनको सोने के लिए अंदर रूम में भेज दिया है मैंने। और पूरा दिन कैसे ही ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता, काम ख़त्म नहीं होता, पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। पर अब मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ क्योंकि मुझे प्रेस करनी कपड़ों के, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो आप करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। ओके बाय।